दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सर मैथमेटिक्स पर। आज के इस वीडियो में जानेंगे NOU नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ने CET इंटीग्रेटेड BEd एंट्रेंस का रिजल्ट जारी कर दिया है। तो यहाँ पर जो हम प्रोसेस कर रहे हैं इसी माध्यम से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो आप एक लिंक देख रहे हैं बिहार CET इंटीग्रेटेड BEd रिजल्ट 2019, इस लिंक पर टच करेंगे। जैसे ही टच करते हैं पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होता है। कभी कभी होगा क्या कि नेटवर्क प्रॉब्लम या अधिक संख्या में भी छात्र सर्च कर रहे हैं तो एक बार में ओपन नहीं भी होगा, तो आपको एक या दो बार अवश्य ही ट्राई कर लेना है, दो या तीन बार। देखिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको 15 सितंबर को आयोजित की गई थी, जैसा था कि रिजल्ट का प्रकाशन 20/9 को, तो आज रिजल्ट का प्रकाशन हो गया है। उसके बाद है कि डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग ऑनलाइन कॉलेज चॉइस फिलिंग 21/9, यानी कल से कॉलेज का चॉइस फिलिंग होगा। उसके बाद है कि लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग 22 तक है, यानी 21/22 दो दिन का समय दिया गया है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फी पेमेंट फॉर काउंसलिंग, तो काउंसलिंग के लिए जो फी पेमेंट करना है वो आपको 23 तक का डेट दिया गया है। रिपोर्टिंग एट काउंसलिंग सेंटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 24 को होगा। उसके बाद अलॉट कॉलेज फॉर एडमिशन, जो आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा काउंसलिंग में, आपको 27 और 28 ये दो दिन का समय है, इन बीच में एडमिशन ले लेना है। एकेडमिक सत्र का प्रारंभ आपको 30/9/2019 को किया जाएगा। आइए जानते हैं रिजल्ट कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लिक हियर का ऑप्शन है, यहाँ पर टच करते हैं। करने के पश्चात पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके यहाँ पर सर्च करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने ओपन होगा। तो इस प्रकार से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इनसे संबंधित सभी जानकारी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। चूँकि मैं BEd कर चुका हूँ इसलिए इनसे संबंधित सारी जानकारी आप हमसे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और लिंक आप चाहते हैं इस वेबसाइट का तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।